हाँ नेक्स्ट आ जाओ। अब जी ये तो चीटिंग है, पहले मैं आया था, पहले सीट पे मैं बैठा था। ओ लल्लड़, ओ यार ये तो नाइंसाफी है। अब हम क्या बोले भतीजे, तू ही बता दे कैंची चला के। जिसके बाल कम है उसकी कटिंग जल्दी हो जाएगी, तो उसे बिठा दो। तो बलवान तू बैठ जा, तेरे बाल मुझसे कम है। ओ नहीं नहीं नहीं, पल्ला जी मेरे बाल कितने लंबे और घने हैं, इसलिए पहले आप। अल्ले लो, अभी पहले मैं कर रहे थे, अब पहले आप। गिन गिन के 4-5 बाल होंगे कैंची चला के। ओ तो कोई नहीं लल्लन, बाल काटने के बाद तू जो सर की मालिश करता है ना वो कर। ओ पल्ला जी, वो आपने मेरा नंबर छीन लिया, मालिश तो मुझे भी करनी थी। अरे आप दोनों चिंता ना करो भाई, दोनों का एक साथ मालिश करता हूँ कैंची चला के। हाँ चलो जी, हो गई मालिश। लाओ मेरे पैसे, 50 रुपया आपके और 50 रुपया आपके, निकालिए कैंची चला के। 50? किस बात के 50, मैंने तो बाल काटे ही नहीं। अल्ले लो, मालिश तो करवाई कैंची चला के। लेकिन मालिश तो बाल काटने के बाद फ्री होती है ना, तो जो फ्री है उसके पैसे कैसे। ओए, मैंने क्या मनी प्लांट लगा रखा है, बाल काटे ही नहीं तो पैसे किस बात के। मुझे मेरे मालिश के पैसे चाहिए। नहीं दूंगा। चाहिए पैसे, पैसे ला कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा लल्लन, तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे शांति रखो शांति, अभी मैडम जी आ रही होंगी बस। रबावड़ी बूझ, मैडम जी आ गई है ऑलरेडी। के बात से इतना शोर क्यों मचा रखा से, कोई लूट पाट हो गई के। हाँ मैडम जी, अब खुद ही देख लीजिए। रबावड़ी बूझ, यो के है कोई बाल मुंडन प्रतियोगिता हो रही सके। देखा मैडम जी, आप भी हमारा मजाक उड़ा रही हैं। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे भैंस की पूछ, लेकिन यो किया किसने? वही तो पता नहीं है मैडम जी, रात को बरामदे में सो रहे थे, सुबह ये हाल था। अरे यो बात तो कुछ पल्ले ना पड़ रही से, कोई रातों रात इतने सारे गंजे पैदा कर गया। लेकिन क्यों? अरे भतीजे, मैडम जी तुम्हें याद कर रही है, जल्दी आओ। क्या, कहाँ? मिमिक्री भाई के ढाबे पे। हाँ हम अभी आए। घना स्मार्ट हो गया बहादुर तू तो। रे बावड़ी बूझ, मेरा मेकअप खराब कर दिया। अच्छा तो इनकी बात कर रही थी अब बंदूकनी जी। भतीजे मन ने तो लग गया कि कोई पागल हो गया से। मेरे बाल मेरी आन बान और शान है, भतीजे पकड़ ले, शाना हो या पागल उसे जकड़ ले। सबसे पहले ये समझना होगा कि बाल काटने से किसी का क्या फायदा होगा। ओए भतीजे, फायदा नहीं लेकिन नुकसान जरूर होगा। नुकसान किसका है? ओए लल्लन टॉप का, अगर कोई फ्री में बाल काट जाएगा तो लल्लन का बिजनेस तो चौपट हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि यो जो भी है वो लल्लन का दुश्मन से। ओए हाँ, आज सुबह ही तो लल्लन जी और पल्ला जी का झगड़ा हुआ था। यानी कि भल्ला। बंदूकनी जी, मुझे तो कुछ और ही लगता है। देखिए कितनी सफाई से बाल काटे हैं, ना खरोच और ना ही कट, और जिसके बाल कटे उसे तो पता भी नहीं चला। क्यों, आप लोगों को पता चला? नहीं। और सबके बाल कटे हैं, लेकिन किसी ने ये सोचा कि कटे हुए बाल हैं किधर?
भतीजे बड़ी दूर की सोचता है तू। ऐसी हाथ की सफाई तो एक ही आदमी के पास है और उसे पकड़ने का प्लान भी है मेरे पास। बाल घुमा के सेठ जी, पूरा रात में हम 16 लोगों को गंजा बनाया हूँ। ये रहा सबका बाल कैंची चला के। अरे लल्लन चिंता मत करो, पूरा शहर यही सोचेगा कि तुम्हारे किसी दुश्मन ने ये काम किया है, तुमने नहीं। बाल घुमा के। लेकिन सेठ जी, ऐसे तो थोड़े ही दिनों में ये शहर गंजा शहर हो जाएगा, फिर तो हमारा धंधा तो हो गया ना चौपट है कैंची चला के। अरे बाल तो घर की खेती है, कभी भी उग जाएंगे और इनसे हम उम्दा विग्स बनाएंगे और तगड़ी रकम कमाएंगे। क्या बाल घुमा के। लल्लन कुछ ऐसे लंबे घने बाल काट लाओ। क्या बाल घुमा के। अरे ये तो मिमिक्री है, आज रात ही काम तमाम कर दूंगा कैंची चला के। अरे आओ आओ बलवंत जी, तो क्या सेवा करूं आपकी कैंची चला के। ओए ललन, आज तो सेवा मैं करने आया हूँ तेरी। किसी प्रोडक्ट के साथ ये ब्लेड फ्री में मिले थे, अब मेरे किस काम के, तो सोचा तुझे दे दूँ। अरे शुक्रिया बलवंत जी, ये तो काम का चीज है कैंची चला के। उबासी लिए जा रहे हो। अरे वो आज कोई कस्टमर नहीं है ना, बस बैठे बैठे नींद आती है या फिर उबासी आती है कैंची चला के। अच्छा चलते हैं। ओए पतिजे, तेरा शक तो सही लग रहा है। चाचू अब देखना, खोजी अंकल का दिया हुआ केमिकल उस ब्लेड पे लगा है और आज रात लल्लन अंकल वो ब्लेड यूज करेंगे तो पकड़े जाएंगे। मेरे बाल। बहुत डरावना सपना था। अब इस पुतले को ही चारपाई पे लिटा देता हूँ, भतीजे ने दिए तो जरूर कुछ आइडिया होगा, मेरे बाल बच जाए बस। थैंक्स भतीजे, तुम्हारी वजह से मेरे बाल बच गए। चाचू मेरा शक 100% सही निकला, ये तो लल्लन अंकल का ही काम है। ए भतीजे कैसे पता चला। लल्लन अंकल को जो हमने ब्लेड दिया था उस पे एक केमिकल लगा हुआ था और इस पुतले के सिर पे नींबू, वो केमिकल नींबू से लगते ही लाल हो जाता है। ओ जी भतीजे, तेरे दिमाग के घोड़े बड़े तेज दौड़ते हैं। चाचू अब हमें भी दौड़ते हुए बंदूक नीचे को ये बात बतानी होगी। लल्लन अंकल, मिमिक्री भाई का अच्छा सा हेयर कट करना है। ना 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 ना, वो तो अब हो ही नहीं सकता ना कैंची चला के। क्यों लल्लन भाई, बोले तो क्यों नहीं हो सकता। मिमिक्री तुम्हारे बाल, लेकिन हमने तो रात को। अरे अरे बोल दो लल्लन अंकल, रात को जिसके बाल काटे थे ना वो ये पुतला था। बावड़ी बूझ बहुत कर लिया लोगों को गंजा, अब तेरी बारिश है कैंची चला के। बाला सेठ हम पकड़े गए, भागो। बाला के होते हुए तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता लल्लन, इनको मजा चखाऊंगा बाल घुमा के। मेरा मेकअप खराब कर दिया, नहीं छोड़ूंगी। पतिजे कुछ कर। हाँ मुझे तो ऐसा पड़ा झापड़, बोले तो जैसे फैन पे सूख रहा है पापड़।
किसी ना किसी खंबे से लग के खड़े रहो और जैसे ही वो सिर घुमाए नीचे झुक जाना, ओके? बाला सेठ, तुम भी गंजे हो कैंची चला के? ललन भाग। पैसों के लालच में ललन अंकल, आपकी कहानी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसी हो गई। ओए जी, तुम्हारा नाम बाला सेठ नहीं गंजा सेठ होना चाहिए। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस ट्रंक को उठाओ। चाचू, आप ही ट्रंक सिर पे क्यों उठा रहे हैं? ओए भतीजे, ये ट्रंक मुझे इस कड़कती धूप से बचाएगा। लगता है इस ट्रंक में कोई खजाना है जो अब बलून चोर का होगा। आ गए ना मुझसे धोखा, बलून चोर उड़ जाए जैसे हवा का झोंका। चोर चोर चोर, मेरा ट्रंक चुरा कर उड़ रहा है, पकड़ो। ओए पल्ला जी, उस ट्रंक में कुछ कीमती सामान था क्या? और नहीं तो क्या, साल भर का जमा किया हुआ रद्दी और कबाड़ था उसमें, वही तो बेचने जा रहा था। तुम उसे भी ठीक से पकड़ नहीं सके, तुम्हारी 10 दिन की सैलरी कट। क्या? और जल्दी चल बहादुर, ये पैसों से भरा संदूक हमें वक्त पर फंटूश नगर बैंक पहुंचाना है। ये भी मेरा। खा गए ना मुझसे धोखा, बलून चोर उड़ जाए जैसे हवा का झोंका। और बहादुर ब्रेक लगा। ओ मैडम जी, आपका मेकअप तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा परफ्यूम लगा लो तो सोने पे सुहागा। ओ जी, थैंक यू थैंक यू। हवा की सैर करते हुए ताजी मछली खाऊंगा। अरे चोर चोर, मेरी मछली लेकर भाग गया चोर। मिमिक्री भाव। दोस्तों देखे ना दाएं बाएं, मेरी रुमाली रोटी आसमान को छू कर आए। गर्मा गर्म रोटियां। हवा की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। ओ, मुझे परफ्यूम लगाया और मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। ओए बस कोई रास्ता मिल जाए उस उड़ते हुए बलून चोर तक पहुंचने का, फिर देखना। एक रास्ता है, ये टैबलेट खाकर बलून चोर के पास पहुंचा जा सकता है, लेकिन अरे बलवंत पूरी बात तो सुन लेते हैं, ये टैबलेट के साइड इफेक्ट्स हैं। चाचू तो अपने आप हवा में उड़ रहे हैं बलून की तरह। चाचू रुको। ये क्या कर दिया खोजी सिंह जी, और मुझे ही बलून बना दिया। अरे मैं इसी साइड इफेक्ट की बात कर रहा था। अरे अरे बचाओ, अरे कोई बचाओ। बहादुर पकड़ चाचे को, उड़ने ना पाए। आया मैडम जी। अब इससे आप हवा में नहीं उड़ोगे। आइडिया, अब जा
चाचू पकड़ेंगे बलून चोर को। चाचू उस बलून चोर को पकड़ने के लिए आपकी थोड़ी मदद चाहिए। और शुभ काम के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ पतिजे। बंदूकी जी, बहादुर अंकल, जल्दी से स्टॉप में आ जाइए। ये है हमारा अपना चाचा हॉट एयर बलून, इसी से हम बलून चोर को पकड़ पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, तब तक मैं चाचा के लिए एंटीडोट बनाता हूँ। मैडम जी, इस ऊंचाई से डर लग रहा है। रस्सीदा खड़ा रहे। ये कौन है जो आसमान में मेरा पीछा कर रहे हैं? आइडिया। बाय बाय। चाचू, कुछ देर के लिए अपनी सांसें रोके रखिए ताकि हम और ऊपर ना जाएं। ओ पतिजे, जो करना है जल्दी कर, मैं ज्यादा देर तक अपनी सांसें रोक नहीं सकता। चल बहादुर, अपने बेल्ट के सहारे उस बलून चोर तक पहुंच जा। मैडम जी, नीचे देखने से दे मुझे बहुत डर लग रहा है। और नाम बहादुर है और तू डरता है? और नीचे मत देख, ऊपर देख। बलून चोर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बाय बाय। चलता हूँ। बलून चोर दूर भाग रहा है। चाचू, ये छाता खोलिए और अपने दोनों तरफ घुमाइए, इसी से हम उसका पीछा कर सकते हैं। चाचू, पीछे नहीं, आगे। ओए, बहुत अच्छा आइडिया है, इसे तो मैं शील्ड की तरह यूज करूँगा। खा गए ना मुझसे धोखा, बलून चोर उड़ जाए जैसे हवा का झोंका। आइडिया, चाचू आपका योगा स्टेप कीजिए, जोर से सांस अंदर और जोर से सांस बाहर। प्रयोग तो आसमान में भूकंप आ गया। ये क्या? चिपचिपी मछली, ये चिपचिपी मछली ही हमारे काम आएगी। बच्चे, तेरा निशाना तो बहुत कमजोर है, एक भी मछली मुझे नहीं लगी। आपको निशाना लगा भी कौन रहा है, मैं तो ऊपर बलून पर मार रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो मेरे साथ, रुक जाओ, जाओ, बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। है ये क्या, चूरन? कितना आराम मिल रहा है, मेरा पेट तो जैसे फूल के गुब्बारा बन गया था, अब मैं बच गया।
मेरा चाचे तू तो बच गया, पर अब होगा क्या? होगा भतीजे। गुब्बारे बनाओ, इन गुब्बारों को फोड़कर इस बाथ टब के नीचे चिपका दो। कानून के हाथ और बंदूक की लात से कोई ना बच सके हैं। अब बलून चोर, इब तू हवा में नहीं उड़ेगा पर जेल की हवा खाएगा। चल। पूरे काम का पूरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? ओए हाँ भतीजा।